ते लाल किला है और संसद भवन दूर नहीं है, इसको भी तोड़ के पहुंच जाएंगे। ये भुलेखा छोड़ दे, ये जुमलों की सरकार है, जुमलों की सरकार छोड़ दे, झूठे वादे छोड़ दे। मीडिया खरीद लिए तो ये समझ रहे हो कि देश हम खरीद लिया, देश नहीं खरीदे हो है। हाँ, जब ये पंजाब से चल कर अम्बाला से बैरियर तोड़ करके ये क्या समझ रही है, पुलिस वालों के बल में? पुलिस वाले हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे हैं। जैसे कांग्रेसियों का बुरा हाल हुआ है ना, इससे बुरा हाल भाजपा वालों का होगा। काशी क्षेत्र से हूँ और मैं सिंधु बॉर्डर पे आज 14 रोज से पड़ा हूँ और वहाँ से मैं देख रहा हूँ कि कितने किसान आए हुए हैं, हैं? तो ये मोदी सरकार को भुलेखा लग रहा है, मोदी सरकार को ये भुलेखा लग रहा है कि हैं, जब पंजाब से चले हैं जवान किसान तो अम्बाला से लेकर के और सिंधु बॉर्डर तक कितने जगह खड्डे खोदे गए, हैं? रास्ता रोन किया गया, उन पे पानी की बौछारें चली गई, लाठियां खाए, लेकिन उन्होंने रुके नहीं और आकर के बॉर्डर पे रुके, हैं? बॉर्डर के ऊपर रुके और शांति से प्रदर्शन अपनी मांग रखे रहे हैं। लेकिन इस जो जुमलों वाली सरकार है, अडानी अंबानी की जो सरकार है, उनको सुनाई नहीं दे रहा है। तो जब उतने बैरियर तोड़ करके वो दिल्ली पहुंच सकते हैं तो गाजीपुर से घंटा क्या कहते हैं लाल किला है और संसद भवन दूर नहीं है, इसको भी तोड़ के पहुंच जाएंगे। ये भुलेखा छोड़ दे, ये जुमलों की सरकार है, जुमलों की सरकार छोड़ दे, झूठे वादे छोड़ दे। मीडिया खरीद लिए तो ये समझ रहे हो कि देश हम खरीद लिया, देश नहीं खरीदे हो है। इन्हीं देश किसान मजदूरों के बनाए हुए तुम हो, ये 15% जो हैं जो तुम्हारा साथ दे रहे हैं ये कभी नहीं आएंगे साथ, और न उनके वोटों से तुम बन सकते हो हैं। लेकिन तुमने झूठ बोल बोल करके जो बनाए हो, ये बताओ यूपी में योगीनाथ कहते हैं 6000 रुपया किसानों को मिल रहा है, किस किसान को मिला है? मैं भी किसान का बेटा हूँ, हमारे बाप के नाम से 2 जगह ज़मीनें हैं लेकिन एक जगह से एक पैसा नहीं मिला है। कहते हैं किसानों के गायों जो देसी गाय रखा उसको 900 रुपया महीना में दे रहा हूँ खर्चा गायों का, हाँ गायों को छोड़ो नहीं भगाओ मत, हाँ लेकिन मैं भी तो 3 गाय रखा हूँ, हमारे को तो एक पैसा नहीं मिला। हमारे गांव में कम से कम 10-20 गाय, अरे 200-250 गाय हैं लेकिन किसी को एक पैसा नहीं मिला। अरे कब तक झूठ बोलोगे? सरकार ने गौशाला तो बनाई है ना? अरे गौशाला बनाई नहीं है, गायों की हत्या कर रहे हैं। जिसको चारा नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, वो गाय मरेगी नहीं है। गौशाला तो नाम के बने हुए हैं, कहाँ पे गौशाला है, कहाँ पे क्या है, खाली झूठ मीडिया में कर दिए, पेपरों में छपा दिए, इससे हो गया? अरे तो है ना? अरे कहीं कुछ नहीं है, खाली बातों का है तो मीडिया वालों के जो बहकावे में है, खाली एक झूठे जुमलों की सरकार है। बताओ, ये बताओ, प्रधानमंत्री ने कल किसानों को संबोधित किया था लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कानून वापस लेंगे हम मध्य। अरे कानून वापस तो उनको लेना पड़ेगा, बात से ले लेंगे तो बहुत बढ़िया है, हाँ नहीं तो आगे की तकरार ना बढ़ावे, बात तो ये है। आप कह रहे हैं वापस लेना पड़ेगा, सरकार कह रही वापस नहीं लेने के हम। अरे लेगी क्यों नहीं, हाँ बात से नहीं मानेगी लात से मानेगी, बात से नहीं मानेगी लात से मानेगी। हाँ, जब ये पंजाब से चल कर अम्बाला से बैरियर तोड़ करके ये क्या समझ रही है, पुलिस वालों के बल में? पुलिस वाले हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे हैं, हाँ उनके नहीं। कुछ किसान हैं तो सरकार से मिलकर आए हैं, समर्थन दे रहे हैं, बढ़िया है कानून, कुछ किसान। अरे हाँ भाई, 10-20 किसानों को ये 6000 रुपया मिल गया ना, तो वो तो उल्टी ना गाएंगे ही। जो किराए के टट्टू हैं वो कह रहे हैं, किसान नहीं बोल रहा है। जैसे मोदी किराए के टट्टू अडानी अंबानी के आए हैं ना, हाँ तो उन्हीं की बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कहाँ मोदी भाजपा में था, कोई बता दे कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था? सन 2000 में लिया करके एक बाइक न कुछ संसद था न विधायक था और गुजरात का मुख्यमंत्री बनाए हैं, बाद में इलेक्शन करा करके उसको जिताए हैं। आरएसएस के तो थे, आरएसएस के तो थे, भाजपा के तो नहीं थे। भाजपा किसकी है, हाँ भाजपा किसकी है, क्या थी भाजपा किस? अरे वो अलग बार ऐसा अलग पार्टी है, भाजपा अलग है। अच्छा जी, हाँ तो लेकिन ये वो उनकी ही एक धन्यवाद, हाँ जुमलों की सरकार है, झूठ बोल कर करके यजाटा कर रहे हैं, हैं ये कब तक करेंगे? पर्दा खुल गया है, जनता जान गई है, हैं मोदी की करतूतों को, हाँ अब तो ये भाजपा वालों को अपनी जैसे कांग्रेसियों का बुरा हाल हुआ है ना, इससे बुरा हाल भाजपा वालों का होगा, हैं क्योंकि ये बताओ आज तक कोई काम किया नोटबंदी से लेकर के? नोटबंदी में अडानी अंबानी के काला धन को सफेद किया,
कहते हैं काला धन विदेशों में जमा है, कितने मंगाया, किसको दिया, किसी को दिया है, झूठा बोला ना है। ये अडानी अंबानी के काले धन को इसने सफेद किया और उसके अब ये कर नहीं रहे। एक बात और किया कि ये जो ले जाके काला धन बोरा में भर भर करके जमा करते थे, उसको मोदी ने ऐसा कर दिया कि बोरा में कोई देख लेगा, लेके जाओगे तो हम 2000 का नोट चला रहे हैं और झोला में ले जा करके जमा करो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।